बाउंड्री पार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाकिस्तान से आए हुए कुछ पहलवानों से और कोचिस से आपको मिलवाएंगे, ऐसे पहलवानों से जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया। तैयब सुहेल जी हैं मेरे साथ, तैयब जी हैं और साथ में जमान 125 किलोग्राम के पहलवान जो मेडल राउंड में भी पहुँचे। तैयब आप 97 किलोग्राम में प्रतिनिधित्व करते हैं अपने देश का। कभी हम देखते थे ओलंपिक में मेडल मिलते थे पाकिस्तान को, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिलते थे, 60 और 70 के दशक की बात करें, बशीर अहमद जिन पर पूरा देश का पूरा एशिया गर्व करता था। हाँ, आखिर क्या वजह है कि आज पाकिस्तान की कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में भी खाली हाथ लौटती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान में एक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, उनमें हैट्रिक लगाते थे, कोई एक रेसलर होता था वो हैट्रिक लगाता था। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बीच में बहुत बड़ा खला आया बहुत देर के लिए। तो अब जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन जो है अभी जो, वो पिछले 6-7 साल से बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऑस्ट्रेलिया में हुई उसकी अगर आप रिज़ल्ट की बात करें तो आपको वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड भी मिलेगा और 2 ब्रॉन्ज मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो रेसलिंग है वो दोबारा ऊपर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो एशियन चैम्पियनशिप की अगर आप बात करें तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इंडिया में ऑर्गेनाइज इस टूर्नामेंट का होना हमारे लिए नुकसानदेह रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देती, और वीज़ा ना मिलने की वजह से हमारी जो हुकूमत है वो इतनी तवज्जा नहीं करती कि इन्हें हम सपोर्ट करें या कैंप वगैरह इन्हें दें। लेकिन एशियन चैम्पियनशिप में आपको वीज़ा मिला है और तमाम जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसके अंदर अब ये कंडीशन है कि आपको वीज़ा देना होगा, नहीं तो आप पर बैन लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति तो आपको शायद नहीं कहनी चाहिए कि मैं आपको बताता हूँ, जो इंडियन एम्बेसी है इधर हमने अपना अप्लाई किया वीज़ा के लिए पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने, और इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और हमारे जो प्लेयर्स हैं जो कैंप में मौजूद थे तो वो थोड़ा हो गए कि शायद वीज़े नहीं लगने, तो वो इस ये भी वजह रहती है कि वीज़ा ना मिलना, प्लेयर भी थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप अब की बात करें तो वो भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है अपना फ्री स्टाइल रेसलिंग की जो बॉडी है इंटरनेशनल, उसे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने लेटर लिखा कि हमें इंडियन वीज़ा नहीं दे रहे। तो इंडियन एम्बेसी सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो सैटरडे को उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फोर्स किया इंडियन गवर्नमेंट को, तब जाके हमें सैटरडे ऑफ में वीज़ा मिला है। चलिए, ये आपकी सूचना है कि आपको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फोर्स किया है आपको जी। लेकिन हमारा सवाल वहीं रह जाता है कि आखिरकार पाकिस्तान की कुश्ती इतनी डाउनफॉल होने की वजह क्या है? क्या लोग क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं? वहाँ तो हम देख रहे हैं कि कभी हॉकी में सिरमौर था पाकिस्तान, स्क्वैश के अंदर उसका एक अलग जलवा हुआ करता था, कुश्ती में एक जलवा होता था, अब वहाँ ठहराव क्यों आ गया है? क्यों क्रिकेट में ही हम T20 जो है पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम है उसी पे गर्व करके रह जाते हैं? देखें, अगर मैं ये समझता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान में थोड़े जैसा कि इंडिया में स्पोर्ट्स का जैसे रुझान है वैसे पाकिस्तान में थोड़ा कम कॉम्पिटिशन हमें मिलता है। और अगर इंडिया पाकिस्तान के वीज़ा पॉलिसी, फिर वीज़ा पॉलिसी भी बात आ जाए, अगर वीज़ा पॉलिसी में नरमी हो, जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन जो एज एम्बेसडर किसी भी मुल्क में जाता है तो वीज़ा पॉलिसी में भी अगर नरमी हो, इंडिया के लोग भी पाकिस्तान में आकर खेले, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया में आकर, वो तो आदर्श स्थिति है। लेकिन नहीं, ये तो आदर्श स्थिति है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इससे आपका ये तो है नहीं कि हिंदुस्तान के साथ ना खेलना ही आपकी हार का या आपके नीचे आने का पतन का कारण है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपकी हार का, आपकी जो इतनी डाउनफॉल हुआ है उसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप, जैसा कि आपने बात की कि 80 और 90 की दहाई की अगर आप बात कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल हमारी जो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की जो थी वो बड़ी एक अच्छी और नुमाया कारकर्दगी थी। बीच में वक्फा आया कोई 10-15-20 साल का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, उसका जो स्पोर्ट्स का ग्राफ लेवल है वो हाई हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली रिजल्ट बताया कॉमनवेल्थ गेम्स के स्तर पर, तो एशियन गेम्स में भी हमारा जो एक लड़का उसने मेडल हासिल किया, तो उसके
नेजाबाजी के हैं जी, तो उसमें भी उन्होंने अपना अच्छा क्वालिफाई भी कर लिया ओलंपिक्स के लिए। तो जूडो के भी हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो उसका ग्राफ लेवल ऊपर जा रहे हैं। सुहेल जी, हमने देखा अभी कुछ दिन पहले भी और हाल के वर्षों में भी देखा, मोहम्मद इनाम बहुत अच्छे पहलवान आपके 86 किलोग्राम वर्ग के, हमारा तो मुल्क उनको बड़ी इंतज़ार कर रहा था बड़े बेसब्री के साथ, वो क्यों नहीं आए? उनके ना ज़रा इंजरी हो गई थी और वो उनकी शादी भी हुई है थोड़ी दिन पहले। क्या बात, तो इंजरी की वजह से वो नहीं आ सके। शादी में गए थे आप? हाँ जी, शादी में गया था मैं। अच्छा, हाँ, तो इंजरी की वजह से नहीं आ सके। अच्छा, वो इंजरी की वजह से नहीं आ पाए। मोहम्मद इनाम, मैं आपको याद दिला दें, ये वही पहलवान है जिन्होंने 2010 में, 2014 में, 18 में भारतीय पहलवानों से शिरकत की, सोमवीर को हराया, अनुज चौधरी को हराया, लेकिन पवन के सामने उनकी एक नहीं चली थी और वहाँ वो पराजित हुए थे 2014 के एशिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगर नेशनल चैंपियनशिप की बात करें सुहेल साहब, जो पाकिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप होती है रेसलिंग की, उसमें किस प्रदेश का ज़्यादा जलवा है? उसमें ज़्यादा जो है वाबडा के प्लेयर होते हैं तो वो ही जीतते हैं। वागा वाबडा, वाबडा इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो वाले जीतते हैं। आर्मी होती है जी, बिजली बोर्ड के। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, जो तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर, उन वहाँ पर कुश्ती की परंपरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उधर लाहौर है, गुजरांवाला है, और मुल्तान, भावलपुर, पंजाब है, यानी कि पंजाब में ज़्यादा लोग हैं कुश्ती के। अभी आपके चार पहलवान जो यहाँ आए हैं, ये कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तान में किस जगह से? ये तीन पहलवान आए हैं, दो गुजरांवाले के हैं, एक लाहौर का है। अच्छा, तो जितनी आपको सुविधाएं चाहिए तो उतनी सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, पर्याप्त हैं? जी, करते हैं, मगर जितनी सपोर्ट करनी चाहिए उतनी सपोर्ट नहीं होती जितनी करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्लेयर होते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर आप कोई मेडल की तोक्का कर सकते हैं। अगर सिर्फ नेशनल लेवल पे आपने खेलना है तो वो फिर ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने मेडल जीतना है तो फिर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बस। लेकिन एक सवाल और कि आपके तो मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है स्पोर्ट्स की स्थिति में और ख़ासकर कुश्ती के क्षेत्र में? जी, उनके आने से अभी तो उन्हें साल, डेढ़ साल ही उनकी हुकूमत को हुआ है, डेढ़ साल पौने दो साल हुए हैं, तो अभी वो थोड़ा पॉलिटिक्स में या उस मसलों में थोड़ा बिजी हैं, तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान करें। एक अच्छा जो स्पोर्ट्समैन, अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर देखें जो मुल्क हैं उनका, आप उनका अच्छा व्यू जाता है इंटरनेशनली तौर पर, तो उन्हें अपना इंटरनेशनल सतह पर स्पोर्ट्समैनों को प्रमोट करना चाहिए। और अभी हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन भी उनसे बात कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा रुझान करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये थे पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से आए हुए कुछ पहलवान और उनके कोच, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके देश में स्थिति बदल रही है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन जो है रुचि ले रही है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो भी कुछ रुचि लेंगे अगले। अभी उनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है, पाकिस्तान की कुश्ती भी इसी उम्मीद पर कायम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।